नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो गई है। सरकार ने टाटा सन्स की बोली को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने इसमें पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर बुलाया था। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया सैट्स में सरकार इसी के साथ 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3 हजार करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से ही यह अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा अब नई पीढ़ी ने उठा लिया है। आज बच्चे चॉकलेट के रैपर फेंकते नहीं बल्कि जेब में रख लेते हैं और गंदगी फैलाने पर बड़ों को भी टोकते हैं। मोदी ने कहा कि साफ सफाई के मामले में युवा पहल कर रहे हैं, कुछ लोग वेस्ट से भी कमाई कर रहे हैं तो कई जागरूकता फैला रहे हैं। सूखे और गीले कचरे को अलग करने के लिए लोग जागरूक हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन से दूसरे फेज में शहरों से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से हटाए जाएंगे। मोदी ने केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कहा कि ऐसा एक ही पहाड़ लंबे समय से दिल्ली में भी है, ये भी हटने का इंतजार कर रहा है। हरियाणा के जलझर में पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर वाटर कैनन चलाई। यहाँ की सरकार पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम होने वाला है। किसानों ने कॉलेज में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि ऐसे समय में जब बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तब उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने की बजाय यहां सभा करने आ रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लद्दाख सेक्टर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां वो सर्दियों से लद्दाख सीमा पर सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। इस बात की जानकारी शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के एकीकृत हेडक्वार्टर के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय ने दी है। अपनी यात्रा के दौरान नरवणे लद्दाख सेक्टर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो सेक्टर में तैनात जवानों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय सेना ने अपने एक ट्वीट में कहा, जनरल MM नरवणे COS मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए लद्दाख सेक्टर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। COAS सबसे कठिन इलाके और मौसम की स्थिति में तैनात सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे। देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ को श्रद्धालुओं के लिए पहले ही खोल दिया गया था, लेकिन शुक्रवार से यहां होने वाली हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। दरअसल हेली सेवा शुरू करने के लिए अभी तक DGCA से परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अब DGCA की परमिशन मिल गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए तीनों हेलीपैड पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उप महंत बलवीर गिरी की ताजपोशी के पहले अखाड़े में फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कई संतों ने बलवीर को उत्तराधिकारी बनाए जाने को सरासर गलत बताते हुए मठ चलाने के लिए नियम के अनुसार किसी संत का चयन करने की सलाह दी है। संतों ने महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा ब्रह्मलीन होने से पहले लिखे गए कथित पत्र को मात्र सुसाइड नोट माना है, इसे वसीयत माने से साफ इनकार कर दिया है। कहा कि वसीयत पर बकायदा अखाड़े के 2 सदस्यों का दस्तखत बतौर गवाह दर्ज होता है, लेकिन नरेंद्र गिरी के पत्र में इस तरह का कोई गवाह नहीं है जिसको बतौर गवाह पेश करने का प्रयास किया गया है। उनका अखाड़ा और संन्यास जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 110 नायब तहसीलदारों को शुक्रवार को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित नायब तहसीलदारों में से 15 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में ईमानदारी से योग्यता को आधार बनाया गया है, उसी प्रकार से आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ही ईमानदारी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्य करें। इससे प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में चेहरा, जाति, मजहब और क्षेत्र देखकर नियुक्ति नहीं दी जाती है। अब नौकरियों में नियुक्ति का आधार योग्यता है। बिहार की सियासत में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव रहते हैं।
नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, तेजस्वी यादव दोनों मुद्दों को लेकर मुखर हैं। इस बीच अब तेजस्वी को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए बिहार सरकार को बधाई दी है। कोरोना काल में दिन रात सेवाएं देने वाले राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के 5,000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सरकार की ओर से शैक्षणिक फीस माफ न किए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हालांकि सामूहिक अवकाश पर जाने के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू वार्ड में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। मरीजों को कोई परेशानी न हो इसलिए ओपीडी में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को 76 वर्ष के हो गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद के जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में परौक गांव में कोविंद का जन्म हुआ था। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को आज उनके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई। वो अपनी सादगी, उच्च नैतिकता और उल्लेखनीय दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। मेरी कामना है कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और राष्ट्र की सेवा कई और वर्षों तक करने का आशीर्वाद मिले।